बेटी से बहू। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले गए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए। देखा भावी समधन जी सब्जी बना रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले गए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर आए। घर में जाकर देखा तो होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया, तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखी, एक भी बार मुझे होने वाली बहू घर का कामकाज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपनी सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का ना सोचे, उम्र दराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा ना रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। अब अपनी बात पर आते हैं। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उससे घर का काम काज अवश्य कराना चाहिए, समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सजा बेटी को तो मिलती ही है और माँ बाप को मिलती है जिंदगी भर गालियां। हर किसी को सुंदर और सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाइयों, जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो हमें संस्कारित बहू मिलेगी। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी की बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते। कुछ बेटियाँ और बहनों को मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा, पर सच ही ये है, जिन बेटियों से घर का काम नहीं होता उनको कहीं पर भी जीवन में उचित सम्मान और उचित स्थान नहीं मिलता। आपने कहानी अंत तक देखी और अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने में लगाया, अतः आपका बहुत